हेलो फ्रेंड्स, आज का जो व्याख्यान है वो मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट के लिए है जिनकी जिज्ञासा है काफ़ी समय से कि राजनीति विज्ञान में कौन सी पुस्तकें उनको पढ़नी चाहिए। तो राजनीति विज्ञान में कौन सी श्रेष्ठ पुस्तकें हैं जो एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए उपयोगी हो सकते हैं, तो आइए इन पुस्तकों के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले, तो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नाम से केनेथ एन वॉल्ज की पुस्तक आती है जो तुलनात्मक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सिद्धांतों के बारे में बड़ी चर्चा करती है विस्तार से, और काफ़ी उपयोगी पुस्तक है कंपटीशन के हिसाब से, रेफरेंस बुक के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से। दूसरी जो तुलनात्मक राजनीति की पुस्तक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से आती है, और ये पुस्तक विलियम रॉबर्ट क्लार्क ने लिखी है। इसके चार एडिशन आ चुके हैं। इस पुस्तक में तुलनात्मक राजनीति के बारे में विस्तार से, डेप्थ से, और बहुत से देशों के इंटरनेशनल एग्जांपल्स के माध्यम से थ्योरीज को डिफाइन किया गया है। यदि हम भारतीय विदेश नीति की बात करें तो इसमें डेविड एम मेलोन की पुस्तक मोहन की और राघवन की है, द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो भारतीय राजनीति को बहुत गहराइयों से स्पष्ट करती है। लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो प्रदीप सचदेवा की पीरेशन पब्लिकेशन की पुस्तक है जो भारत में स्थानीय सुशासन को डेप्थ के साथ एनालाइज करती है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल थ्योरी की अगर बात करें, वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन है, उस चिंतन के लिए जॉर्ज एच सेबाइन की पुस्तक है जिसके काफ़ी एडिशन आ चुके हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के साथ भारतीय राजनीतिक चिंतन इंडियन पॉलिटिकल थॉट के नाम से एमपी सिंह की पुस्तक है, हिमांशु राय और एमपी सिंह की, वो पियर्सन पब्लिकेशन की है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है थॉट के हिसाब से। अगर हम थ्योरी की बात करें, पहली बार आकाश सिंह राठौर के द्वारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जगह इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी को डिजाइन किया गया, अभिव्यक्त किया गया है। ग्लोबल पॉलिटिक्स वैश्विक राजनीति की जो पुस्तक है एंड्रयू हैविड के द्वारा लिखी गई है, जो कंपटीशन के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए रामबाण आप कह सकते हो। अगर सिद्धांतों की बात करें तो हिंदी माध्यम में भी है और अंग्रेजी माध्यम में भी है, पॉलिटिकल थियरी राजीव भार्गव और अशोक आचार्य की पुस्तक आती है जो आजकल कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रही है। कंपटीटिव पॉलिटिक्स की एक और पुस्तक की हम बात करें तो केनेथ न्यूटन की बुक है जो आसान भाषा में लिखी गई है और बहुत गहराइयों को स्पष्ट करती है। इंडियन पॉलिटिक्स को अगर हम समझना चाहते हैं तो अतुल कोहली की पुस्तक है जो रूटलेज हैंडबुक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के नाम से है। इसी के साथ वेस्टर्न थिंकर्स की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पोलिटिकल थाट जे एस मैकलेन की पुस्तक है। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी में एंड्रयू हैविड की इंग्लिश में भी आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ पॉलिटिकल थ्योरी में भी उसने लिखा है। आईजीपी की अगर बात करें तो और विस्तार से समझने के लिए महेंद्र एमपी सिंह की पुस्तक है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और अगर विस्तार से हमें पढ़ना है तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नाम से पुस्तक आती है जॉन बैलिस और स्मिथ की। अगर समसामयिक पॉलिटिकल थियरी को हमें समझना है तो विल केमलिका की पुस्तक आती है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। भारतीय संविधान को और गहराइयों से समझने के लिए ऑक्सफोर्ड इंडिया प्रेस से पब्लिश है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। और राजनीति विज्ञान की कोर कही जाने वाली आइडियोलॉजीज के लिए एंड्रयू हैविड की बुक आती है जो राजनीतिक विचारधाराओं को अभिव्यक्त करती है। इनके अलावा अगर हिंदी माध्यम की बात करें तो राजनीति विज्ञान की बेसिक टर्म्स को समझने के लिए राजनीति विज्ञान का विश्वकोश ओपी गाबा, और ये टर्मिनोलॉजी के लिए रामबाण है हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र के लिए राजीव भार्गव और ज्ञान सिंह संधू की अलग अलग पुस्तकें आती हैं, पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत। अगर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की बात करें तो जे बी सूद की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात करें तो वी पी वर्मा, वी आर मेहता और एम पी सिंह की अलग अलग हिंदी में पुस्तकें, उनको आप पढ़ सकते हैं। आई जी पी की बात करें भारतीय शासन राजनीति की तो एम पी सिंह की पुस्तक है। अगर भारतीय संविधान की बात करें तो पॉकेट संस्करण भी आता है भारतीय संविधान से, अंडर लॉ पब्लिकेशन से।
सुभाष कश्यप हमारा संविधान, डी डी विश्व संविधान का एक परिचय, भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, ये संविधान के लिए आप पढ़ सकते हैं। सोशल मूवमेंट की अगर आप पढ़ना चाहते हैं भारतीय राजनीति में इनकी भूमिका, तो गेल ऑमवेट की पुस्तक है, हिंदी में एडिटेड है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए महेंद्र कुमार और बी एन जैन की पुस्तक का आप अध्ययन कर सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति के लिए सी वी केना की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय विदेश नीति के लिए सुमित गांगुली की पुस्तक आती हिंदी माध्यम में, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा अगर हम और भी कोई टॉपिक जो हमें समझ में नहीं आता उसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो सभी क्षेत्रों में लगभग ओपी गाबा की पुस्तक आती है, विद्युत चक्रवर्ती की पुस्तक आप देख सकते हैं, आकाश सिंह राठौर की पुस्तक आप देख सकते हैं, मोहंती की पुस्तक आप देख सकते हैं, एम पी सिंह की पुस्तक देख सकते हैं, मूवमेंट के लिए विपिन चंद्रा की पुस्तक देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की पुस्तकें आप देख सकते हैं। तो ये राजनीति विज्ञान की आधारभूत पुस्तकें हैं जो आपको इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल हैं। हाँ, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इन पुस्तकों के माध्यम से आप राजनीति विज्ञान की गहराइयों को समझ सकते हैं। तो शायद इसके अलावा भी अगर मेरे शोधार्थियों की, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई आकांक्षा हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट्स कर सकते हैं और मैं उस विषय पर या उनकी जो जिज्ञासा है या कौतूहल है उस पर व्याख्यान प्रेषित करूँगा। आप सभी का मेरे व्याख्यान को सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।